हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग की आज के एपिसोड में हम 100 किलोवाट सिस्टम की डिजाइनिंग देखेंगे। इससे पहले हमने 3 किलोवाट से 70 किलोवाट तक की डिजाइन देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए सारे वीडियो हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि जितनी भी डिजाइनिंग हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाए। तो ये सोलर चर्चा विद कृष्णा .blogspot.com ब्लॉगर है, जिसमें आपको जितनी भी हमने ऑनग्रिड सिस्टम की डिजाइन की है या इसके पहले जो भी मेरे पीपीटीज बने हैं वीडियो के, वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। 100 किलोवाट सिस्टम की डिजाइनिंग देखते हैं हम। इसको चेंज कर दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो ऊपर लिख गया है। 100 किलोवाट हमारा प्लांट है, मींस हम जो सोलर मॉड्यूल लगाएंगे वो उसकी टोटल कैपेसिटी हमारी 100 किलोवाट होना चाहिए। तो अगर हम 540 वाट के मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो लगभग 185 मॉड्यूल जब मैं यूज करूंगा 185, तब मेरा टोटल जो वोल्टेज बनेगा डीसी वो 99.9 100 किलोवाट का होगा। 100 किलोवाट के सिस्टम में मैं जो इन्वर्टर उपयोग करूंगा वो 100 किलोवाट का रहेगा। अगर आप हायर साइड लेना चाहते हैं तो आप 110 या 120 किलोवाट का इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन में मैं इधर टेबल साइज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि 185 मॉड्यूल लगाने के लिए हमको ऐसा एक ही जगह स्पेस नहीं मिलेगा कि आप पूरी एक लंबी टेबल बना सके, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है डिपेंड्स ऑन अवेलेबल स्पेस। हो सकता है वो किसी इंडस्ट्री का शेड हो, या रूफ हो तो छोटे छोटे रूफ हो, या ग्राउंड माउंटेड हो, तो आप ये जैसा अवेलेबल हो स्पेस उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। फिर मेरी जो केबल रहेगी, तो क्योंकि स्ट्रिंग है करंट सिंगल ही जाएगा, तो मेरी 2.5 स्क्वायर mm से 4 स्क्वायर mm रहेगी। अगर अब चूंकि ज्यादा मॉड्यूल है हमारा, अलग अलग लोकेशन पे लगाना पड़ेगा, तो अगर बहुत ज्यादा जम्पर और डिस्टेंस ज्यादा होती है तो आप यहाँ 6 स्क्वायर mm की डीसी केबल यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं या जो हमारी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ मॉड्यूल है उनको छोटे छोटे भागों में लगाते हैं तो जो वोल्टेज है वो ज्यादा ड्रॉप होता है। तो इसलिए अगर आप हायर साइज की केबल ले लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आपका कम हो जाएगा। एसी केबल 70 स्क्वायर mm की एल्युमिनियम है, जो कि हमारी 100 किलोवाट इन्वर्टर का जो आउटपुट करेंट आ रहा है पर फेस 145 एम्पियर, उसके लिए सफिशियंट है। वहीं अगर मैं कॉपर केबल की बात करूं तो कॉपर केबल मुझे 50 स्क्वायर mm की लेना पड़ेगी, 4 कोर रहेगी। एसीडी भी हमारा 3 फेज का रहेगा, 160 एम्पियर एमसीसी भी रहेगी, क्योंकि आउटपुट करंट 145 एम्पियर है। अगर ये 200 एम्पियर होता, मान लीजिए आउटपुट करंट, तो फिर हम यहाँ 200 एम्पियर से ज्यादा बड़ी एसीडी भी यूज करते। डीसीडी भी 185 मॉड्यूल को हमें इन्वर्टर की डेटा शीट के अकॉर्डिंग ऐसे बनाना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रिंग डिजाइन हो। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हमारी जो स्ट्रिंग आई है वो 11x11 आउट है डीसीडीबी, क्योंकि हम इसमें 11 स्ट्रिंग लगा रहे हैं। स्ट्रिंग करंट मेरा लगभग 14 से 15 एम्पियर है, तो मैं जो फ्यूज है वो 20 एम्पियर का यूज कर सकता हूँ। अगर 12 एम्पियर आता है स्ट्रिंग करंट तो मैं 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करूंगा। अर्थिंग हमारी, अर्थिंग जो है वो 3 सेपरेट होगी, एसी इन्वर्टर एसी डीवी में आपस में कॉमन होगी, डीसी मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर मॉड्यूल और डीसी डीवी तीनों में कॉमन होगी। एलए की अर्थिंग सेपरेट एलए में ही रहेगी। फिर ये हमारी डेटा शीट है, ये हमारा इन्वर्टर है, 100 किलोवाट का इन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं, जिसकी मैक्स इनपुट डीसी पावर कैपेसिटी 120 है, मैक्सिमम इनपुट करंट एमपीपीटी का 60 एम्पियर है और शॉर्ट सर्किट करंट एमपीपीटी का 75 एम्पियर है। तो जो मेरी स्ट्रिंग में पैरेलल या सीरीज करूंगा वो इस रेटिंग के अकॉर्डिंग करूंगा। नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर इसमें 4 है और हर एमपीपीटी पे हम 5 स्ट्रिंग लगा सकते हैं, स्ट्रिंग्स पर एमपीपीटी ट्रैकर। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी इस इन्वर्टर के लिए वो 5 × 4 मतलब 20 स्ट्रिंग हम बना सकते हैं अधिकतम। वहीं ये मेरा सोलर मॉड्यूल है 540 वॉट का, जो हमने पिछले डिजाइनों में भी यूज किया है, तो इसका वोल्टेज 540 है। ओपन सर्किट जो
वोल्टेज है वो लगभग 50 वोल्ट है, वीएम 41.6 है, शॉर्ट सर्किट करंट मेरी 13.8 है, और जो आईएम है मैक्सिमम करंट पीक पावर में वो 12.97 है। तो अब देखिए हम डिजाइन करते हैं, ये हमारी डिजाइनिंग टेबल है। नंबर ऑफ मॉड्यूल लिखेंगे इधर, पर मॉड्यूल का वॉटेज लिखेंगे, डीसी कैपेसिटी, एसी कैपेसिटी, ये मॉड्यूल की डेटा शीट हो गई। हमने अभी देखा था इन्वर्टर की डेटा शीट में 4 MPPT है और हर MPPT पे हम 5 5 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो ये मेरे 4 MPPT है, उस पे ये 5 स्ट्रिंग ये है, 5 स्ट्रिंग ये है, 5 स्ट्रिंग ये है और 5 स्ट्रिंग ये है। तो अब हम इसे डिजाइन ऐसे करेंगे कि मेरे 185 मॉड्यूल लगे। सिर्फ डिजाइनिंग में आप ये जरूर ख्याल रखिएगा कि एक ही एमपीपीटी पे लगने वाली स्ट्रिंग अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, अलग अलग एमपीपीटी पे। जैसे एमपीपीटी 4 पे मैं 16 मॉड्यूल लगा रहा हूँ, एमपीपीटी 3 पे 17 मॉड्यूल लगा रहा हूं, तो ये आपस में सेपरेट है, इनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक ही एमपीपीटी में, जैसे ये तीसरे एमपीपीटी में 17 17 16 कर दूं, ठीक है, या 17 15 15 कर दूं, तो जो ये एमपीपीटी है इसकी स्ट्रिंग मेरी जो लोएस्ट नंबर ऑफ मॉड्यूल की स्ट्रिंग है वैसा वर्क करने लगेगी, तो मेरे मॉड्यूल एक्स्ट्रा लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप जब भी डिजाइन करें तो कोशिश करिए एमपीपीटी पे जितनी स्ट्रिंग है वो सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, 185 मॉड्यूल को कैसे डिवाइड किया, एमपीपीटी 1 पे 3 मॉड्यूल, एमपीपीटी 2 पे 3 मॉड्यूल नहीं सॉरी स्ट्रिंग, एमपीपीटी 2 पे 3 स्ट्रिंग, एमपीपीटी 3 पे 3 स्ट्रिंग, एमपीपीटी 4 पे 16 16 मॉड्यूल की 2 स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से मेरी टोटल 11 स्ट्रिंग हो जाएंगी, और अगर आप इन्हें टोटल करेंगे मॉड्यूल को तो ये आपके 185 मॉड्यूल है। 17 मॉड्यूल की 3 स्ट्रिंग जब मैं एमपीपीटी 1 पे लगाऊंगा तो जो वीओसी होगा वो 17 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, 17 × 1 मॉड्यूल का वीओसी। आईएससी जो होगी वो मेरी 3 स्ट्रिंग मेरी पैरेलल हो रही है एमपीपीटी में, तो ये जो मेरी आईएससी है इसका 3 गुना यहां लिख गया है। आईएम जो आईएम है एक मॉड्यूल की, वही मेरी एक एमपीपीटी की स्ट्रिंग 3 जुड़ी है, तो उसका मल्टीप्लाई होके 3 गुना करंट यहां हो जाएगा। ऐसे ही एमपीपीटी 2 में है, ये है 3 स्ट्रिंग तो सेम है वैल्यू, एमपीपीटी 3 में भी सेम है क्योंकि 3 स्ट्रिंग लगी है, एमपीपीटी 4 में मेरी 2 स्ट्रिंग हो रही है, इसलिए आप देखो वोल्टेज भी कम हो रहा है क्योंकि एक एक मॉड्यूल कम है, तो एक मॉड्यूल का मैं कम मान लेता हूं इसमें, तो लगभग 50 वोल्ट इसमें कम हो जाएगा। आईएससी एक स्ट्रिंग की कम हो जाएगी पूरी 13.8, और आईएम भी एक स्ट्रिंग मेरी कम है तो एक पूरे पूरे आप मान लीजिए आईएम कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मेरी डिजाइन टेबल है। ऐसे करने में क्या है, मेरे कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और आपसे गलत डिजाइनिंग या कुछ मिस नहीं हो पाएगा। टोटल मॉड्यूल आपके पास लिखे हैं, उसकी डाटा शीट लिखी, आप चाहे तो इसमें इन्वर्टर की डाटा शीट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है इन्वर्टर का डेटा। पर एमपीपीटी पे 5 स्ट्रिंग है, 4 MPPT है हमारे पास टोटल, 1100 वोल्ट हाईएस्ट लिमिट है इनपुट वोल्टेज रेंज, 75 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट है एमपीपीटी की, और 60 एम्पियर आई मैक्स करंट है। तो हमने जो डिजाइन की है वो इसे के अकॉर्डिंग की है, तो मींस हमें यदि 11 स्ट्रिंग हो रही हैं, इसलिए आपको 11 स्ट्रिंग के लिए 11 इन 11 आउट का डीसीडीवी यूज करना पड़ेगा। बस यहां हमें एक चीज आज की डिजाइन में एक एक्स्ट्रा स्लाइड एड है, वो ये है 11 इन 11 आउट की डीसीडीवी में हम 4 SPD यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन 11 स्ट्रिंगों को 3 3 6 3 9 2 11 11 स्ट्रिंगों को हम 4 MPPT पे कर रहे हैं, और आप देखो एमपीपीटी पे 3 स्ट्रिंग लगाने पे ये पैरेलल ही हो रही हैं। तो हमारा एसपीडी क्या करता है, एसपीडी में भी हम स्ट्रिंगों को पैरेलल ही करते हैं, तीनों पॉजिटिव आएंगे उसमें, तीनों नेगेटिव आएंगे, नीचे एक ग्राउंड लगा रहेगा, तो हम उसमें जब पैरेलल कर रहे हैं तो आप इसे 11 इन 11 या आउट लिया है इसलिए आउटपुट भी 11 ही निकलेंगे। तो ये तीनों जो है स्ट्रिंग वो एक ही एसपीडी पे कर दीजिए, और इससे जो 3 स्ट्रिंग निकलेंगी वो इस एमपीपीटी पे कर दीजिए, तो हमारे जो 4 SPD का है वो आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बस यहां एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस एसपीडी में ये जो एसपीडी है इसकी जितनी स्ट्रिंग इसमें कनेक्ट है वो एक ही एमपीपीटी में लगे, ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो 3 स्ट्रिंग है वो 2 इसमें लग गई और 1 इसमें लग जाएगी।
अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एमपीपीटी वन और एमपीपीटी टू आपस में शॉर्ट है, और जब एमपीपीटी आपस में शॉर्ट रहते हैं तो आपको डीसी फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। एक टाइम पे एमपीपीटी वन में वोल्टेज रहेगा दूसरा जीरो, सेकेंड जस्ट बाद उसके एमपीपीटी टू में वोल्टेज दिखेगा वन जीरो हो जाएगा। तो इसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी एमपीपीटी शॉर्ट हो रही है। तो इसके लिए अगर आप कॉमन एसपीडी यूज कर रहे हैं तो आपको एमपीपीटी भी सेम रखना पड़ेगा इस कॉमन एसपीडी के लिए। अगर आप एक ही एसपीडी से अलग अलग एमपीपीटी में डाल देंगे आउटपुट, तो ये एमपीपीटी आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप 11 इन 11 आउट में 11 एसपीडी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए आप चाहें तो 4 एसपीडी ही उपयोग कर सकते हैं, आपकी बाकी 7 एसपीडी की कॉस्ट आप बचा सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क करेगा, और आपकी जितनी 11 स्ट्रिंग है उस पे सेपरेट है आपकी ये सिक्योरिटी एसपीडी जो हमने लगाई है वोल्टेज सर्ज के लिए, तो ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रह रही होगी। बहुत जल्द मैं ऑन ग्रिड सिस्टम की भी ऐसे ही डिजाइनिंग लिस्ट लाने वाला हूँ, जिसमें हम 1 किलोवाट 2 किलोवाट से लेके लगभग 50 किलोवाट तक के ऑफ ग्रिड सिस्टम की डिजाइनिंग तो जरूर देखेंगे। तब तक बने रहिए आप चैनल पे, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई चर्चा में, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए नमस्कार।